जय हिंद फ्यूचर ऑफ इंडिया पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में आज हम लोग एडविक कैपिटल लिमिटेड को डिस्कस करेंगे, समझेंगे कि एक छोटी सी कंपनी जो फाइनेंस सेक्टर में काम करती है इन्वेस्टमेंट करने के लिहाज से कैसी है, और इसमें देखेंगे तो यहाँ पे थोड़ी बहुत तेज़ी भी देखने को मिल रही है। तो क्या इस स्टॉक में भी तेज़ी आ गई है, क्या अभी हम इसमें पैसा लगा देना चाहिए, या जिनका पहले से पैसा लगा हुआ है उन्हें क्या करना चाहिए, इसको इस वीडियो में आसान भाषा में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर थोड़ा काम की बात कर लेते हैं, कंपनी के काम धाम के हिसाब से क्या फ्यूचर में इसकी डिमांड रहेगी या नहीं। तो जैसे मैंने बताया शुरू में कि कंपनी फाइनेंस के सेक्टर में काम करती है, साथ में देखेंगे तो इन्वेस्टमेंट करती है और कैपिटल मार्केट यानी कि आप कह सकते हैं शेयर मार्केट में भी इन्वॉल्व है और थोड़े बहुत पैसे लोगों को मैनेज करती है और उससे जो इंटरेस्ट मिलता है कंपनी या अपने पैसे को भी लगाती है और उससे जो कमाई होती है इससे इस कंपनी का बिजनेस मॉडल चलता है। देखिए ओवरऑल यदि काम के हिसाब से देखें तो काम कंपनी का ठीक है, फाइनेंस सेक्टर में काम करने वाली कंपनी है तो वैसे भी इसका डिमांड हमेशा रहेगा। अब बात करते हैं फंडामेंटल की, तो मार्केट कैप है सिर्फ 103 करोड़, सिर्फ की बात नहीं, पेनी स्टॉक है तो 103 करोड़ ट्रिपल डिजिट में है, ये भी ठीक है। और वैल्यूएशन वाइज स्टॉक देखेंगे तो स्टॉक का पी ए कार्य के आसपास है और वैल्यूएशन वाइज शेयर प्राइस भी ठीक है। अब बात करते हैं कि बुक वैल्यू से कंपनी का शेयर प्राइस ज़्यादा है, यानी कि ओवरऑल ये भी ठीक बात है कि बुक वैल्यू से शेयर प्राइस ज़्यादा है, ऐसा होना चाहिए। रिटर्न ऑन इक्विटी और आर ओ सी की बात करें तो ये भी डबल डिजिट में कमाल के, मतलब एक पेनी स्टॉक में इतना शानदार फंडामेंटल, मतलब अभी तक के स्टॉक में मुझे देखने को नहीं मिला जहाँ रिटर्न ऑन इक्विटी 27% के आसपास, यानी कि आपके इन्वेस्टमेंट पर कंपनी साल भर 27% रिटर्न निकाल कर देने का दमखम रखती है अपने फंडामेंटल की बदौलत और कंपनी जो काम करती है उसके बदौलत। तो ओवरऑल अभी तक हम सभी चीज़ें हमें ठीक ही दिख रही हैं, तो दिक्कत कहाँ पर है वो दिक्कत टेक्निकल एनालिसिस जब हम करेंगे, जब हम इस कंपनी के चार्ट पर चलेंगे तो वहाँ पर पता लगेगा। तो अभी देखिए यहाँ पर हम एक साल के चार्ट पर आ गए हैं, एक साल के चार्ट पर देखिए ये जो आप लाइन देख रहे हैं जो 2.50 रुपये का लेवल है, ये इसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल है, रेजिस्टेंस भी है और सपोर्ट भी है, क्योंकि यहाँ और देखेंगे कई बार सपोर्ट भी लिया और नीचे से देखेंगे कई बार रेजिस्टेंस भी लिया और इसके नीचे एक और लाइन बना देते हैं ये 2 रुपये का लेवल। अब देखिए तकरीबन इस साल के मई मंथ से देखेंगे तो इसी के बीच में स्टॉक घूमते हुए नजर आ रहा है, हालांकि नवंबर में मार्केट थोड़ा सा इससे ऊपर निकला था, लेकिन चूंकि यहाँ पर देखेंगे तो ये भी एक रेजिस्टेंस का ही काम कर रहा है, ये लाइन ये भी एक रेजिस्टेंस है 3 रुपये का, इसलिए 3 रुपये के ऊपर ये स्टॉक का प्राइस जा नहीं पाया, क्योंकि जैसे इस लाइन से स्टॉक का प्राइस ऊपर निकला यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग होने लगा, प्रॉफिट बुकिंग होने की वजह से फिर प्राइस आगे अपने इसी सपोर्ट लेवल के आसपास घूमने लगा। अब देखिए अभी क्या होगा, अभी जैसे इसमें टाइम बिता रहा है, इस पहले इस रेंज में टाइम बिता रहा था, कंसोलिडेट कर रहा था, अब इससे ऊपर निकल कर इस रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है, यानी कि बहुत दिनों तक इसमें कंसोलिडेट नहीं करेगा, इससे बाहर निकलेगा और इससे बाहर निकलेगा तो आएगा इस एरिया में जैसे 3 रुपये से लेकर 3.5 रुपये के बीच में, तो उसके बाद 3 रुपये से 3.5 रुपये के बीच में टाइम बिताएगा और इसमें से टाइम बिताने के बाद स्टॉक का प्राइस सीधे ऊपर निकलेगा तो कम से कम आपको 5 रुपये के लेवल तक जाते हुए दिखेगा, यानी कि आसान भाषा में तो स्टॉक का प्राइस 5 रुपये तक जाने के लिए खुद को तैयार कर रहा है। बहुत जल्द इस कंपनी का शेयर प्राइस आपको 5 रुपये तक जाते हुए दिख सकता है, क्योंकि कंपनी का एक तो फंडामेंटल बढ़िया है प्लस कंपनी जो काम करती है दोनों ओवरऑल ठीक है। और इसके अलावा यदि हम इस कंपनी के क्वार्टर रिजल्ट देखें तो क्वार्टरली रिजल्ट में भी आप देखेंगे कंपनी का ओवरऑल जो सेल्स होता है, सेल्स भी आपको देखिए बढ़ते हुए ही दिखा है इस क्वार्टर में, हालांकि पहले के हिसाब से देखेंगे तो इस हिसाब से देखें तो कम था, लेकिन ओवरऑल ये बात करें कंपनी का सेल्स ओवरऑल आपको बढ़ते हुए ही दिख रहा है, और सेल्स बढ़ रहा है तो कंपनी का जो प्रॉफिट होता है जो नेट प्रॉफिट यदि हम उसकी बात करें तो नेट प्रॉफिट भी आप देखेंगे पिछले कुछ क्वार्टर में आपको अच्छा खासा बढ़ते हुए दिखा है। तो प्रॉफिट कब बढ़ता है, जब कंपनी की सेल्स होती है मतलब कमाई होती है उसके बाद कंपनी का प्रॉफिट बढ़ता है, और ये प्रॉफिट बढ़ेगा ही क्योंकि कंपनी का जो काम धाम है, जैसे कंपनी खुद भी कैपिटल मार्केट में इन्वॉल्व है अपने पैसों को मैनेज करते तो उसे पैसा कमाती ही है, साथ में फाइनेंस सेक्टर की कंपनी है तो ओवरऑल इस मामले में भी ये ठीक है कि कंपनी का डिमांड रहेगा तो शेयर प्राइस में ऑटोमेटिक बढ़ोतरी होगी और शेयर प्राइस ऊपर जाएगा। इसके अलावा यदि हम बैलेंस शीट में देखते हैं तो बैलेंस शीट में देखेंगे जो कंपनी का इक्विटी कैपिटल है वह भी पिछले कुछ सालों में बढ़ा है और साथ में कंपनी का जो रिजर्व होता है जो कैश पैसा होता है वह भी आपको बढ़ते हुए दिखा है, यानी कि सेल्स प्रॉफिट कंपनी का रिजर्व कैश फ्लो हर एक चीज मतलब बढ़ोतरी हो रही है हर एक चीज़ में, तो जाहिर सी बात है जब हर एक चीज़ बढ़ रहा है तो कंपनी का शेयर प्राइस भी आपको लंबी अवधि में बढ़ते हुए ही दिखेगा, टेक्निकल एनालिसिस से यही हमें पता चलता है। ओवरऑल एडविक कैपिटल एक छोटी कंपनी है लेकिन आपके यदि इन्वेस्टमेंट है तो उस पर एक बड़ी कमाई कराने का ही कंपनी दमखम रखती है। तो उम्मीद करता हूँ एडविक कैपिटल के बारे में जो बातें मैंने आपको बताई आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे, मन में कोई भी सवाल है कन्फ्यूजन है कमेंट में जरूर पूछिएगा, मैं उसका रिप्लाई दूंगा। व्यक्तिगत रूप से मुझसे जुड़कर बातें करने के लिए आप मुझको इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तो अगले धन्यवाद, शुक्रिया।